हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि SVEP। हाल ही में भारत का नाम उन देशों की सूची में शामिल हुआ था जहां सबसे अधिक बिलियनियर रहते हैं यानी कि खरबपति। लेकिन इसके बावजूद भी देश की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। शहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण गांव में रोजगार ना होना है। हमारे देश में शहरों के मुकाबले गांव की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। गांव के लोगों को गरीबी से ऊपर लेकर आने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि SVEP को शुरू किया गया है। रोजगार ढूंढने के लिए गांव के लोग शहरों में चले जाते हैं, जिस वजह से शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और गांव की कम होती जा रही है। रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर जाने वाले लोगों को गांव में ही रोजगार देने के उद्देश्य से स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करके गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने के उद्देश्य से ही शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही शुरू की गई एक उपयोजना है। SVEP का उद्देश्य उन कैडर को स्थापित करना है जो उद्यमियों को ज्ञान प्रसार, सलाहकार और वित्तीय सहायता पर काम करते हैं, जो ग्रामीण स्टार्टअप उद्यमियों की पहचान और सहायता कर सकते हैं और सही उद्यम स्थापित करने और लंबे समय तक उसे बनाए रखने के लिए हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गाँव में गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना व उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, वैसे ही स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम भी लोगों के रोजगार स्थापित कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करता है, जिससे कि वह बिना किसी समस्या के आगे बढ़ सकें और गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। साल 2016 में देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम नामक उप योजना को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों को उद्यम स्थापना में सरकार की तरफ से मदद दिलवाना था। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के द्वारा गांव में शुरू होने वाले उद्यमों को स्थिरता देने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न केवल उद्यमों को आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है, बल्कि उन्हें अपना स्टार्टअप आगे बढ़ाने और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाया जाता है। यह बात हम सभी जानते हैं कि बड़े शहरों के मुकाबले गांव में स्टार्टअप करना काफ़ी मुश्किल होता है। शहरों में हमें स्टार्टअप के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और वित्तीय मदद मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आसान नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्टार्टअप्स और व्यवसाय ना होने के कारण लोग शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं, इससे संतुलन बिगड़ता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि गांव में ही स्टार्टअप शुरू हों और उन्हें प्रॉफिट मिले, जिससे कि गांव के लोग गांव में ही रोजगार प्राप्त कर सकें। अगर हम स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के उद्देश्यों की बात करें तो किसी भी योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य होते हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। SVEP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने में मदद करना, आर्थिक सहायता करना और प्रशिक्षण देना है, इससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की गरीबी दूर हो सके और
अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। अगर सरल भाषा में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को समझा जाए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में शुरू होने वाले स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि उन्हें कम ब्याज दरों में उधार मिल जाता है, जिससे कि वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर उद्यमियों को बैंक से मुद्रा लोन भी दिलवाया जाता है। SVEP के जरिए उद्यमियों को CRPEP के द्वारा उनके व्यवसाय से जुड़ी गाइडलाइंस और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सटीक जानकारी भी दी जाती है, जिससे कि वह अपने बिजनेस में लागत कम कर अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य गांव में शुरू होने वाले स्टार्टअप को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि वह उनका फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। SVEP के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत व ग्रुप में कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, जिससे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए RCT व अन्य सरकारी संस्थाओं से प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है, ताकि उद्यमी के कौशल का विकास हो सके और वह अपना रोजगार शुरू कर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम में सभी प्रकार के उद्यमों को, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस, किसी भी प्रकार के हों, सरकार की तरफ से उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की जाती है। यह स्कीम जिले के हर खंड में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के माध्यम से चलाई जाती है, जिसे BRC भी कहा जाता है। SVEP को लागू करने के लिए BRC को एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना होता है। NRLM के तहत आने वाले ब्लॉक लेवल फेडरेशन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन BRC के लिए संस्थागत प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को BLF या CLF के द्वारा चुनी गई कमेटी द्वारा ही संचालित किया जाता है और सभी CRPEP भी BRC के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण रोल CRPEP का है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को नए स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित करती हैं, और जब तक उनके स्टार्टअप सेटअप नहीं हो जाते तब तक CRPEP उन्हें सपोर्ट करती हैं। CRPEP उनके बिजनेस प्लान बनाने से लेकर उन्हें पैसा, ज्ञान व कौशल दिलवाने में उनकी मदद करती हैं। CRPEP के तहत जो भी नया स्टार्टअप सेटअप किया जाता है, CRPEP के द्वारा पूरे एक साल तक कच्चे माल से लेकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग तक में उनकी मदद की जाती है। कोविड के दौरान स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि कोरोना वायरस के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 14 अगस्त 2020 को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 3,18,413 ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना से बचाव की सामग्री जैसे फेस मास्क, PPE किट, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का उत्पादन किया। 29 राज्यों की ग्रामीण महिला सदस्यों ने 23.7 करोड़ फेस मास्क, 1.2 लाख लीटर हैंड वॉश और 4.8 लीटर से अधिक सैनिटाइजर का उत्पादन किया। इस बचाव सामग्री से करीब 903 करोड़ रुपए का उत्पाद हुआ, जिससे कि लगभग 29,000 रुपए प्रति महिला के हिसाब से आय अर्जित हुई। यह स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम की तरफ से वाकई एक बड़ा कदम था। कुछ ग्रामीण महिलाओं ने सामुदायिक रसोई को चलाने में मदद की,
जिससे कि 5.7 करोड़ से अधिक लोगों को विपरीत समय में खाना उपलब्ध करवाया गया। आज की इस वीडियो में हमने स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश की। अगर आपका इस योजना से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और भविष्य में इस प्रकार की विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।